नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर इतना प्रतिशत हुआ मतदान। बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। सुशील मोदी के निधन से राजनीति में शोक की लहर। बिहार में थमा बारिश का सिलसिला। CBSE 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार की बेटियों ने मारी बाजी। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ की टीम के बीच आज टक्कर। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NCERT में नौकरी का सुनहरा अवसर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स यानी SRA और JPF के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट NCERT.NIC.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 मई है। ये भर्ती कुल 6 पदों पर आई है। SRA के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को हिंदी या उर्दू में मास्टर डिग्री किया होना जरूरी है। साथ ही 2 वर्षों का स्कूल में पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं JPF के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिंदी या उर्दू में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। बिहार में चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर इतना प्रतिशत हुआ मतदान। बीते ही दिन बिहार में चौथे चरण के तहत कुल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन सभी सीटों पर शाम के 6 बजे तक अनुमानित मतदान 56.85% हुए हैं, जो कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में कम है। पिछली बार मतदान का ये प्रतिशत 59.20% था। आपको बता दें कि चौथे चरण के तहत बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान में मतदान केंद्रों की संख्या 9,447 थी और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 5,398 रही। बिहार बोर्ड ने 9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विशेष परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा का आयोजन 16 मई से होगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। कक्षा 9वीं की पहली पाली सुबह के 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली में दोपहर के 2 बजे से शाम के 4:45 तक परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 11वीं की पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ली जाएगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट हर हाल में प्राचार्यों को 3 जून तक बोर्ड को निर्धारित फॉर्मेट में भेज देना है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। देश के गंगा मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबड़ और तराई पथ का संयोजन है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारी बाघ, स्लोथ भालू, तेंदुए, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि हैं। हिरण और मृग की कई प्रजातियां जैसे भौंकने वाले हिरण, चित्तीदार हिरण, हॉग हिरण, सांभर और नीला बैल भी यहाँ पाए जाते हैं। मदनपुर वन खंड में बड़ी संख्या में भारतीय उड़ने वाली लोमड़ियों को देखा जा सकता है। रिजर्व में समृद्ध पक्षी जात विविधता है। पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां यहाँ देखने को मिलती है। वाल्मीकि अभयारण्य जंगल के लगभग 800 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है और भारत में स्थापित 18वां टाइगर रिजर्व है। ये बाघों की संख्या के घनत्व के मामले में 4थे स्थान पर है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा के लिए करें रजिस्ट्रेशन। BCECB के डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को 21 मई तक भरा जा सकता है। चालान से पेमेंट की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन फॉर्म में 24 से लेकर 26 मई तक सुधार किया जा सकता है। इस परीक्षा के जरिए बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के साथ ही इंटर और मैट्रिक स्तर के पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन लिया जा सकेगा। पॉलिटेक्निक अभियंत्रण, पारा मेडिकल, माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 22 जून और पारा मेडिकल के लिए 23 जून तक परीक्षा संभावित है। इस महीने सस्ते दाम में आपको तीर्थ यात्रा का सपना होगा पूरा।
इस महीने सस्ते दाम में आपके तीर्थ यात्रा का सपना होगा पूरा। इस महीने अगर आप तीर्थ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सस्ते दामों में आपकी यात्रा की व्यवस्था रेलवे की ओर से की जाएगी। रेलवे की ओर से अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा और वैष्णो देवी की यात्रा करवाई जा रही है। ये यात्रा 8 दिन और 9 रातों की होने वाली है। स्लीपर में 17,900 रुपये किराए का भुगतान करना होगा। वहीं एसी के लिए 29,500 रुपये के किराए का भुगतान करना होगा। वेबसाइट https://www.irctctourism.com पर विजिट करके आप अपना टिकट कटवा सकते हैं। यात्रा के दौरान लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। CUET UG प्रवेश परीक्षा का NTA ने जारी किया एडमिट कार्ड। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने CUET UG 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.ac.in/CUET UG से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 7 मई को अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर से संबंधित जानकारी दे दी गई थी। NTA ने 15 मई से 18 मई के बीच होने वाली ऑफलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया है। मालूम हो कि 3 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन होगा। बिहार में भी परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। चुनाव खत्म होने के बाद जनता दरबार शुरू होने की संभावना। बिहार में एक बार फिर से जनता दरबार शुरू करने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि जून में चुनाव खत्म होने के बाद इसे शुरू कर दिया जाए। जनता दरबार को लेकर कैबिनेट विभाग अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। जिलों को विभाग द्वारा जनता दरबार के आयोजन के लिए 38 लाख रुपये भेज दिए गए हैं। यदि जिले इन पैसों को 31 मार्च 2025 तक खर्च नहीं करते हैं तो फिर उन्हें लौटाना पड़ सकता है। मालूम हो कि चुनाव की घोषणा के बाद ही आचार संहिता लागू हुई और जनता दरबार को चुनाव तक रोक दिया गया था। बिहार में जनता दरबार मुख्यमंत्री के नाम से संचालित होने वाला एक कार्यक्रम है, जहां आम लोगों की समस्याएं हर सोमवार को सीएम नीतीश कुमार सुनते हैं। हर महीने के शुरुआत 3 सोमवार को बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिलता है। बिहार का ये जिला बनेगा केला उत्पादन का हब। अब वो दिन दूर नहीं जब कोसी का सुपौल जिला केले की खेती के हब के रूप में जाना जाएगा। किसानों में केले की खेती के लिए रुझान तेजी से बढ़ रहा है। किसानों की आमदनी में G9 नस्ल के केले का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। जिला उद्यान विभाग की ओर से इसकी खेती करने के लिए किसानों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। उन्हें अनुदानित दर पर केले के पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 हेक्टेयर में केले के बाग लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप ही किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। विभाग के द्वारा किसानों को 50% का अनुदान दिया जाना है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सचिदानंद सिन्हा के बारे में। ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। इनका जन्म 10 नवंबर वर्ष 1871 में बिहार के आरा में हुआ था। ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष रहे और बिहार और बंगाल को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में से इनका नाम भी प्रमुखता से आता है। ये प्रथम भारतीय रहे जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त हुआ था। 6 मार्च वर्ष 1950 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार में बीमित कामगारों के लिए विशेष सोसाइटी का गठन। कर्मचारी भविष्य निधि के तहत बीमित कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक सोसाइटी का गठन किया है। बीमित कामगारों के लिए विशेष सोसाइटी बनाई गई है। इसके बाद अब 4 लाख से अधिक कामगारों को लाभ होने वाला है। साथ ही बीमित कामगारों के परिजनों को भी आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। श्रम संसाधन विभाग ने सोसाइटी गठन का संकल्प पत्र जारी किया है। जानकारी के अनुसार बीमित कामगारों के बीमार पड़ने की स्थिति में बीमित व्यक्ति और उनके परिजनों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया है। बिहार में बिस्कोमान के जरिए होगी मक्का की खरीदारी। बिहार में बिस्कोमान के जरिए मक्का की खरीदारी होगी। समर्थन मूल्य पर ही मक्का की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए बिस्कोमान ने किसानों की समस्या को दूर कर दिया है। समर्थन मूल्य को निर्धारित कर दिया गया है। 6 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। मालूम हो कि प्रदेश में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। खासकर सीमांचल के इलाके में बड़े पैमाने पर इसकी खेती देखने को मिलती है। सरकार की ओर से इसके लिए पहल की गई है। सरकार ने बिस्कोमान के माध्यम से इसकी खरीदारी करेगी। जानकारी के अनुसार इसमें पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, समस्तीपुर जैसे जिलों का नाम शामिल है। खरीदारी की तैयारी चल रही है। CBSE 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार की बेटियों ने मारी बाजी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के बाद अब 10वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी है। परीक्षा के परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट https://cbseresults.nic.in पर चेक किया जा सकता है। CBSE 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में लड़कियां अव्वल रही हैं। 10वीं की परीक्षा में 94.75% लड़कियाँ पास हुई हैं, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 92.71% है। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा में 91.52% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.12% रहा है। CBSE में बिहार के छात्र और छात्राओं ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। 10वीं और 12वीं में मिलाकर राज्य भर के कुल 55,496 परीक्षार्थियों को किसी एक विषय में 100 में से 100 अंक आए हैं। इसमें 10वीं के 39,024 और 12वीं के 16,472 छात्र और छात्राएं शामिल हैं। बिहार में थमा बारिश का सिलसिला, आज से सताएगी गर्मी। अभी भी बिहार में कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की के साथ ही तेज हवा देखने को मिल रही थी, लेकिन जल्द ही बारिश का सिलसिला प्रदेश में थमने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में ही तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बारिश के कारण प्रदेश का तापमान भी गिरा हुआ था। आज केवल सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। आज मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं तापमान कई जगहों पर 36 से 38 डिग्री तो कुछ जगहों पर 38 से 40 डिग्री तक देखने को मिल सकती है। चेक बाउंस होने के बाद ये गलती नहीं सुधारने पर होगी कार्रवाई। बैंक की भाषा में चेक बाउंस होने को डिसऑनर्ड चेक कहा जाता है। चेक से पेमेंट करते समय छोटी से छोटी गलती पर ध्यान देने की जरूरत होती है। चेक का बाउंस हो जाना भले ही आपको एक मामूली गलती लगती हो, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत इसे एक दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाता है। इसके लिए 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का ही प्रावधान किया गया है। चेक बाउंस होने की स्थिति में बैंक की तरफ से आपको गलती सुधारने का मौका दिया जाता है। पहले बैंक आपको इसके विषय में जानकारी देता है, इसके बाद आपके पास 3 महीने तक का समय होता है। इसमें आप दूसरा चेक लेनदार को दे सकते हैं। वहीं दूसरा चेक बाउंस होने पर लेनदार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचाई कोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलथरी मोड़ पर वाहन जांच के क्रम में एक कार से 577 केन शराब को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार ये कार उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली और करीब 288 लीटर शराब को बरामद किया है। साथ ही कार चालक के इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार चालक सिवान जिले के जामो थाना अंतर्गत जियादी टोला गांव का रहने वाला है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसे बीते दिन न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने राजद को लेकर कही ये बात। पीएम मोदी ने बीते दिन पटना साहिब में मत्था टेकने और लंगर चखने के बाद 3 जनसभाएं की हैं। पहले वो हाजीपुर, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। इसके बाद वे सारण पहुंचे। यहां पर उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में लोगों से वोट अपील की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा है कि जितना विकास कांग्रेस ने देश में 60 सालों में नहीं किया है, उतना विकास हमने 10 सालों में कर दिया है। ये मोदी की गारंटी है कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। दूसरी ओर राजद को लेकर पीएम ने कहा है कि राजद अपने काम पर जनता से वोट मांगे। पीएम ने कहा है कि मैं आरजेडी से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कामों को अपना बताकर वोट नहीं मांगे। सुशील मोदी के निधन से राजनीति में शोक की लहर। देर रात एक बड़ी खबर सामने आई जिससे बिहार के लोगों के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच मातम छा गया। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। अचानक से इस खबर को सुनकर हर कोई अस्तबद्ध है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात के समय सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली है। सुशील कुमार मोदी गले के कैंसर से पीड़ित थे। सुशील कुमार मोदी के निधन पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं जैसे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोग और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील कुमार मोदी जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वहीं लालू यादव ने कहा वो एक जुझारू राजनीतिक व्यक्ति थे।
सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी में भीतर घात को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंचे। सीएम के चुनावी सभा को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी में भीतर घात करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। किसी का भी नाम लिए बिना ही सीएम ने कहा है कि प्रत्याशी के साथ कोई दाएं बाएं गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद ऐसे लोगों से मुक्ति ली जाएगी, इधर उधर नहीं करना है। राजद समर्थक को धक्का देने के आरोप में तेज प्रताप यादव ने दिया जवाब। बीते दिन पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का राजद समर्थक को धक्का देने का वीडियो वायरल हो रहा था। इस पर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो आप सभी ने देख लिया, दूसरी ओर ये हुआ था कि प्रत्याशी मीसा भारती और मेरी माँ साथ में थी, दोनों के बीच में आकर धक्का दिया जा रहा था। मेरा हाथ पहले से जख्मी है और इनके द्वारा धक्का देकर आगे जाने के क्रम में असहाय दर्द महसूस होने पर मुझे खुद को बचाने के लिए अचानक से मजबूरन में इनको साइड करना पड़ा। मेरी मनसा कहीं से भी कहीं किन्हीं को आहत करने की नहीं रही। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ की टीम के बीच आज टक्कर। आईपीएल 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत होने वाली है। ये इंडियन प्रीमियर लीग का 64वां मुकाबला होगा। ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच काफी अहम होने वाला है। दिल्ली की टीम का ये आखिरी लीग मैच होगा, जबकि लखनऊ की टीम 13वां लीग मैच खेलेगी। दोनों ही टीमों के पास फिलहाल 12-12 अंक है। ऐसे में दिल्ली को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में ये मुकाबला अपने नाम करना होगा। दूसरी ओर लखनऊ की टीम अगर अपने बचे हुए दोनों मैच जीत लेती है तो उसे प्लेऑफ में अपनी जगह बचा सकती है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन यानी 14 मई वर्ष 1992 में भारत ने तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई संगठन LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत 32 देशों ने आतंकवादी संगठन करार दिया था। आज के दिन वर्ष 1657 में संभाजी का जन्म हुआ था। ये शिवाजी के बड़े बेटे और उत्तराधिकारी थे। आज के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का 1892 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1883 में कृष्णा स्वामी अय्यर का जन्म हुआ था, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे। आज के दिन वर्ष 1923 में मृणाल सेन का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे RBI के इस निर्देश के बारे में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर वायरल हो रही है, जहां कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सभी बैंकों को पासबुक के आखिरी पन्ने पर गीता का सार प्रिंट कराने का निर्देश दिया है। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। RBI द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए इस तरह के खबरों के बिना सत्यता जांच के फॉरवर्ड करने से बचे। व्हाट्सएप में AI की मदद से भेज सकेंगे स्टिकर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कई तरह के नए फीचर लेकर आता है। इसी बीच व्हाट्सएप की ओर से नया फीचर जल्द ही पेश किया जाएगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स ऐप में AI तकनीक के माध्यम से स्टिकर बना सकेंगे। फिलहाल ये फीचर बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही ये फीचर लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस फीचर की खास बात यह है कि इसके जरिए खुद भी स्टिकर को क्रिएट किया जा सकेगा। यह स्टिकर की व्हाट्सएप पर सुविधा के फिलहाल टेस्टिंग की जा रही है। इससे लोगों के लिए स्टिकर बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। CBSE बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने पर दे रहा जोर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बोर्ड के अपने सभी स्कूलों को अलग अलग भाषाओं को सिखाने पर जोर दिया गया है। साथ ही उन भाषाओं पर जोर देने के लिए कहा गया जो उनकी मातृभाषा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर विश्वास रखता है कि बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब उन्हें उनकी अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है। स्कूलों को शिक्षकों और छात्रों के बीच उनकी मूल भाषाओं में मजबूत भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा।
इसका संयुक्त अरब मेघाल है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में SBI जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है जया त्रिपाठी, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है अमित सांगवान, ऑप्शन डी है सुबोध कुमार। इसका सही उत्तर है जया त्रिपाठी। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है सिया राम सिंह, ऑप्शन बी है राम दयालु सिंह, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है दीप नारायण सिंह। इसका सही उत्तर है सिया राम सिंह। पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय डॉक्टर सहबाल गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है संविधान वेत्ता, ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर है अर्थव्यवस्था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिन के नाम है भरत प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, रविकांत यादव, जितेंद्र ठाकुर, राजेश मांझी, निराला कुमार, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, विजय कुमार मंडल, पंकज कुमार दास, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री के नाम से संचालित होने वाला कार्यक्रम जनता दरबार आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।